अरे बच्चों, कमीशन मालूम करने के लिए हम एक और मिसाल हल कर रहे हैं। एक किसान 9,200 रुपये का माल दलाल की मार्फत फरोख्त करता है, उसे 2% दलाली देनी पड़ी। दलाल को कितनी रकम मिलेगी? यानी यहाँ पर एक किसान अपना माल लेकर बाज़ार गया, बाज़ार में उसका माल फरोख्त तो हुआ 9,200 रुपये का, लेकिन चूंकि बाज़ार में दलाल का बोलबाला है, दलाल पहले ही 2% तय कर चुका था, 9,200 रुपये पर उसको 2% दलाली देना है, यानी फरोख्त कीमत पर 2% दलाली देना है। तो हम 9,200 का 2% मालूम करेंगे, जो कि दलाल की रकम होगी। दो दूनी चार और 9 दूनी 18, यानी 184 रुपये दलाल को अदा करने पड़ेंगे। दलाल को मिलने वाली रकम 184 रुपये, और किसान को जो रकम मिलेगी वो 9,200 रुपये में से 184 रुपये माइनस करना पड़ेगा, वो रकम होगी 9,016 रुपये। यानी किसान अपने माल को जब फरोख्त करता है तो उसमें से उसको पहले दलाली देना पड़ेगी, दलाली देने के बाद जो रकम बचेगी वो दलाल की वो किसान की रकम होगी। इस तरह किसान को 9,016 रुपये मिलेंगे।